सोशल एक्टिविस्ट हैं, सौरभ नाम है हमारा। शुरू करें। नमस्कार, इस समय हमें जंतर मंतर पर और पूरे देश में इस समय एक चर्चा चल रही है, धीरेन्द्र शास्त्री, ये आपने यह नाम सुना होगा, बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम के बाबा को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि उनके द्वारा किए गए जो चमत्कार हैं उस पर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं कि क्या वो उनके द्वारा कोई चमत्कार दिखाया जा रहा है या फिर वो कोई जादू है या कोई अंधविश्वास है। इन चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि सच्चाई क्या है। सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से ये बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है और पूरे देश में लेकर इस समय विवाद है, सोशल मीडिया हो या तमाम जो भी चैनल हो, तो आइए कुछ प्रमुख लोग हैं समाज से, उनसे बात करते हैं कि इनके क्या विचार हैं इन चीज़ों को लेकर। सबसे पहले जरा आप अपना परिचय बताएं दर्शकों को। हमारा नाम सौरभ है, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, गुड़गांव से बिलोंग करते हैं और हमारा जो जन्मभूमि है वो MP है और टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है हमारा। तो MP से तो जिस चीज की हम चर्चा करने जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो भी मध्य प्रदेश से भी आते हैं। टीकमगढ़ के पास में छतरपुर गाँव है, डिस्ट्रिक्ट है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है। तो धीरेन्द्र शास्त्री छतरपुर से आते हैं, वहाँ पर उन्होंने जो मंदिर बनाया वो उन्होंने अपनी खुद की ज़मीन पे बनाया और अपने भाई चाचा लोगों की ज़मीन पे बनाया और उसी को उन्होंने धाम का बागेश्वर धाम का नाम दिया, बागेश्वर धाम का नाम दे दिया। तो देखिए हमारा प्रश्न यही है कि बागेश्वर धाम में उनके द्वारा कुछ चमत्कार दिखाए जा रहे हैं, जैसे कोई पीड़ित अगर जाता है वहाँ पर तो उसके नाम की पर्ची वो पहले ही लिख कर रख लेते हैं कि आपको क्या समस्या है और उसको वो बता देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि किसी व्यक्ति अंदर कोई किसी भी धर्म से जुड़ा हो और उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो भविष्य देख सके और भविष्य को बता सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास भी शक्ति है और हम कोई ड्रामा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास शक्ति है। लेकिन हमारा तरीका यही है, आपको पहले आना होगा, पत्रकार महोदय, आपको पहले आना होगा, अपनी परेशानी लिखवाना होगा, टोकन नंबर लेना होगा, रसीद कटवाना होगा, फिर जब जिस दिन हम आप टोकन नंबर आएगा, जिस डेट में आएगा उस दिन आप आओगे और हमें टोकन नंबर हमारे पास रहेगा, हम आपको आपको कहना नहीं पड़ेगा और आपके नाम से आपको बुला लेंगे। मतलब आपका कहना है कि पहले पर्ची कटा के आपकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली जाती है और उसको फिर चमत्कार और दम का नाम दे दिया जाता है? जी जी बिल्कुल, अगर आप फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं तो उसके द्वारा आपकी कुछ जानकारियां हैं वो इकट्ठी कर ली जाती है। अच्छा, आप कह रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट है, क्या आपको लग रहा है कि संभव उतने बड़े लोगों का लार्ज स्केल पर उनका डिटेल निकालना और फिर उनको इंडिकेट करके उनके बारे में बताना संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है, यही सिर्फ बिना फेसबुक, और जब तक आप किसी को जानकारी नहीं दोगे या आपके फेसबुक पे जानकारी नहीं होगी, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे जानकारी नहीं होगी, तब तक कोई भी इंसान आपकी जानकारी नहीं। आपका कहना है कि उनके अंदर कोई इस तरीके की दिव्य शक्ति नहीं है और ना ही वो किसी के चीजों को भविष्यवाणी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से वो समाचारों को बताते हैं? वो उनका क्या काम है, वो एक काम करते हैं, कथावाचक। तो वो कथावाचक है, वो अच्छी बात है, सनातन धर्म है उनका और कथावाचक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन उसके सहारे, कथावाचक के सहारे, सनातन धर्म के सहारे लोगों में रूढ़िवादी लाओ, उनमें अंधविश्वास लाओ, उनके अंदर भावना, ऐसी भावना जागृत करो जैसे लोग पागल। क्यों लग रहा है कि रूढ़िवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? उसमें क्या, आपको तो बुलाने गए नहीं आ पाए, अगर आपको लगता है कि बेहतर है तो आप जा रहे हैं, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। ऐसा है कि हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं, लेकिन गाँव के लोग आज कल भी ऐसे रूढ़िवादी हैं कि वे अपना टाइम बर्बाद करते हैं, कई दिन तक लेट 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 के उनके धाम में जाते हैं। आपको तो बाबा ने चैलेंज किया कि आप जैसे जो भी सोशलिस्ट हैं और समाज को लेकर बेहतर कार्य करते हो, चैलेंज करते हैं कि आप आइए उनके धाम में और उनको चैलेंज करके उनको गलत साबित करिए, फिर क्यों नहीं जाते हैं? अपनी गली में कुत्ता शेर होता है, सर्कस वाले करते हैं तो वे सर्कस में अपना टेंट लगा के करते हैं, सर्कस से बाहर आकर आए, अगर वे उनके अंदर विश्वास है और चमत्कार की भावना है तो अपने सर्कस से निकलकर बाहर आए, हम भी चैलेंज कर रहे हैं। बाबा सर्कस चला रहे हैं? बिल्कुल सर्कस चला रहे हैं, क्योंकि वो कथा की आड़ में, सनातन धर्म की आड़ में वे लोगों में गुमराह कर रहे हैं। तो आप वो तो कह रहे हैं कि सनातन धर्म में दिव्य शक्तियां हैं उनके पास, हनुमान जी उनको दिखते हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद है, हनुमान जी के आशीर्वाद से वो लोगों की सच्चाई को बताते, फिर अगर आप गलत साबित कर सकते तो उनके यहां जाइए, उनके संग
संगठन में बाबा जी को हम भी चमत्कार करके दिखाएंगे। हमें शंकर जी सपने में दिखाई देते हैं, हनुमान जी दिखाई देते हैं, और बच्चे कोई भी ऐसा भगवान नहीं है जो हमें दिखाई नहीं देते, बस एक बार उसको आंखें बंद करके देखना है, दिखाई देंगे। अच्छा, अगर लोगों की समस्याएं दूर हो जा रही तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? हाँ, जाकी रही जैसी भावना तैसी देखी मूर्त तैसी, तो वो अगर कहावत है वहाँ पे लोगों को उनमें भगवान दिख रहे तो आपको समस्या क्या है इसमें? लोगों में किसको भगवान दिख रहा है? जो भी वहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में उनको भगवान दिख रहा है धीरेन्द्र शास्त्री के अंदर, उनको लगता है कि हनुमान दर्शन देते हैं, तो आपको समस्या क्या है? हमारे देश में समस्या इसी बात की है कि आप घर से बाहर निकलो तो आपको धर्म धर्म चिल्लाएंगे, राम राम सुबह शाम टीवी। राम चिल्लाना गलत कहाँ से हो गया? राम राम हनुमान चिल्लाना गलत क्यों हो गया? राम हनुमान चिल्लाना गलत नहीं होता है, उसका फायदा गलत उठाओगे तो गलत होता है। अब जैसे कुछ रूढ़िवादी है, उनके दिमाग में टीवी का चमत्कार दिखाई दे रहा कि टीवी में शंकर जी आते हैं, राम जी आते हैं, ऐसे हाथ करते हैं, कुछ भी होता है, तो वो क्या है, अपना मानसिक दिमाग के गुलाम हो गए, अपनी बुद्धि लगाना छोड़ गए कि वास्तव में आखिर कैसे होता है। चलिए, सब मिला के आपका आपका यही मानना है, आप लोग एक्टिविस्ट है समाज में चीजों को गलत सही का परखते हैं, कि वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई भी दैवी शक्ति नहीं है, नहीं है, और सिर्फ और सिर्फ वो एक जादू दिखाते हैं फिर हाथ की सफाई करते हैं। नहीं, जादू नहीं है, वो सिर्फ एक ब्लूटूथ मोबाइल के द्वारा कनेक्टिविटी का ही प्रमाण है। तो आप एक्सपोज क्यों नहीं करते उनके? एक्सपोज करिए उनको कि ब्लूटूथ से कर रहे हैं सब कुछ, वो तो चैलेंज करते हैं, क्या पाइए उनके धाम में। ऐसा है कि वो जब उनके धाम में जाना पड़ता है तो कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, और उन प्रक्रियाओं में अगर आप अपोजिट हो तो आपको वहां से भगा दिया जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने आप लोगों को लगता है गलत है, राम का नाम ले रहे हैं तो राम का नाम लेना तो कहीं गलत नहीं होता है, नहीं हनुमान का नाम लेना। राम का नाम क्यों लें? सवाल ये है, क्यों नहीं लेंगे भाई, वो सनातन धर्म से ले रहे हैं, आपको दिक्कत क्या? आप भी लीजिए राम का, अल्लाह का नाम हम क्यों लें? लो ना फिर भाई, उनको आत्मा को शांति मिले, लोगों को जा रहे हैं वहाँ पे, कुछ शांति नहीं होती, ये सिर्फ ये है कि परेशान करो उनको। आपको राम के नाम से दिक्कत है कि बाबा से दिक्कत? नहीं, ना राम के नाम से दिक्कत है ना अल्लाह के नाम से दिक्कत है, लेकिन दिक्कत जब है कि जब उनको तुम रूढ़िवादी बना दो, लोगों की मानसिक गुलाम बना दो, उस चीज से दिक्कत। वो कहां बना रहे हैं? लोग स्वयं जा रहे हैं, लोगों को अगर वहां पे आत्मबोध हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि बढ़िया हो रहा है, तो फिर आपको समस्या क्यों भाई? आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो दिखा दें कि लोग अगर लोगों के पास थोड़ा सा टाइम मिलता है ना, तो उस समय लोग अपना खुद शांति से अपने जीवन के बारे में ना सोच के राम राम जपने लगते हैं, कोई कोई अल्लाह अल्लाह जपने लगता है, उसमें भी धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक और बयान उनका है कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे अगर सभी सनातनी भारत के उनका सहयोग कर दें। तो आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जो उन्होंने परिकल्पना रख दी, जो उन्होंने उद्घोषण कर दिया कि आप हमें हमारे साथ आए, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, इसके ऊपर क्या एक धर्मगुरु को इस तरीके का राजनीतिक बयान देना किस तरीके का सही है? आपके विचार बताइए, आप लोग सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। देखो, हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो कट्टरवादी लोग हैं, धर्मवादी लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, वही कल्पना करते हैं। एक जो निष्पक्ष इंसान, न्याय पे चलने वाले इंसान, और तो आप हिंदू राष्ट्र का विरोध करेंगे? विरोध वाली बात ही नहीं है, हमारा कहना है मिलजुल के चलो ना। नेपाल हिंदू राष्ट्र है, पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र है, इराक है मुस्लिम राष्ट्र, क्या कर लिया उनने? बोलो, चीन है, अमेरिका है, बड़े बड़े देश वो है। तो कह रहे हैं कि विकास होगा जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, सभी सनातन धर्म के नीचे आ जाएंगे एक छत के नीचे, तो राष्ट्र का विकास होगा। आप साथ में आइए, हम बनाते हैं। ये सब आपस में नेताओं की चाल होती है, लेकिन अगर आप एक सच्चे पत्रकार हो, समाज में भाईचारा फैलाना है, प्यार फैलाना है, तो जो कट्टरपंथी लोग हैं उनकी बात एक कान से सुनो दूसरे से उड़ा दो। कोई धर्मगुरु कट्टरपंथी होता है? बिल्कुल, गुरु धर्मगुरु, धर्मगुरु की जरूरत क्या है? क्यों नहीं, धर्म को आगे बढ़ाना है, धर्म प्रचार प्रसार होता है, धर्म की धर्मगुरु क्यों नहीं सकता? सारे धर्म की ऐसी तैसी, जब आज के समय में हमारे देश में कानून है, कानून ही धर्म है, संविधान ही धर्म है, उसको पढ़ो ना, उसके बाद हमें किसी चीज़ की जो सनातन धर्म है, वेदों की बात होती है कि जो वेदों की पूजा होती है, चार वेद हैं, उपनिषद है, तो आप सब उनको धत्ता बताते हैं, आपको कानून है सब सर्वोपरि। पूजा होती है वो वेदों की कम पूजा होती है, और उनको व्याख्यान करने वालों की ज्यादा पूजा होती है। तो जो व्याख्यान कर रहा है उसके पास आप जाते हैं? वो तो कहता नहीं, क्या पाइए मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। हम नहीं जाते भाई, हम नहीं जाते, जो दूसरे लोग जाते हैं उनको भी हम रोकने का प्रयास करते हैं, समझाने का कि अगर आपको पढ़ना है तो आपका आपका समर्थन है कि नहीं हिंदू राष्ट्र के प्रति? बताए, आप भी सनातन धर्म सनातनी है आप?
सनातनी है कि नहीं बताइए। हम एक भारतीय हैं। नहीं, भारतीय आप किस धर्म से हैं बताएं। हम सिर्फ, हमारा एक ही धर्म है, भारतीय संविधान को मानना, बस। नहीं वो तो ठीक है आपसे धर्म को, लेकिन आपका धर्म कौन सा, आप किस जात से आते हैं बताएं। जात को गोली मारो। नहीं, गोली क्यों मारे, जातिगत जनगणना हो रही है बिहार में इस समय, आप जात को गोली मार रहे हैं, आप किस जात से हैं बताएं पहले। जात, देखो जात और धर्म ने ही हमारे देश को पीछे धकेल रखा है, इसलिए जात बताने से क्या, हमें हमारे पीछे कार्यालय है यहाँ पर जेडीयू का, बिहार में इस समय जातिगत जनगणना चल रही है और आप कह रहे हैं कि जातिगत जनगणनाओं को गोली मारी है, वो देश को पीछे ढकेलता है। मुख्यमंत्री हमारा बिहार का इस समय वो इन चीजों की गणना कराने की, कौन किस जाति का है, और आप अपनी जात से भाग रहे हैं, ऐसा क्यों। जो जेडीयू या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो जनगणना सर्वे करा रहे हैं, जनगणना का जातिगत, तो वो एक साथ कई सर्वे करा रहा है, आर्थिक भी करा रहा है, जातिगत भी करा रहा है और अलग अलग तरीके से करा रहा है, तो वो सरकार का मैटर अलग है। लेकिन हमारी व्यक्तिगत सोच में हम एक ही चीज करें कि अलग अलग जो वर्ग हैं, वर्ग के आधार पर और इकोनॉमी के आधार पर उनको समाज में किस क्या स्थान है, वो सारी चीजों का सब मिला करके। आप किसी जात से नहीं हैं और आप अपने आप को केवल एक भारत का आम नागरिक मानते हैं और संविधान के साथ चलना जानते हैं। हम, हमारी सोच है, व्यक्तिगत सोच है हमारी, कि हम एक भारतीय हैं और हमारा एक ही धर्म है, भारतीय संविधान और भारत। धर्म तो अलग होते हैं ना, अगर धर्म अलग नहीं होता तो देश क्यों बढ़ता। सनातन धर्म होता है, इस्लाम है, तमाम धर्म के नाम पे देश बने और आपका धर्म होता ही नहीं है। अरे तो आपको क्या 100 साल पीछे जाना है क्या? नहीं, क्या धर्म के साथ चलने का मतलब 100 साल पीछे हम जाएंगे? बिल्कुल। क्यों जाएंगे? क्योंकि जब धर्म तो कहते हैं कि सनातन धर्म में साइंस है, सनातन धर्म में साइंस है, आप गीता पढ़िए, कहते हैं गीता पढ़िए साइंस मिलेगा आपको। गीता या कुरान को ऐसी तैसी हमें आज की डेट में जरूरत नहीं है। हमें एक बात, आप कानून में पढ़ोगे आपको पुलिस रोक लेगी, आप कानून का पालन नहीं करोगे पुलिस रोक लेगी। अगर हम गीता या कुरान नहीं पढ़ेंगे हमें कुछ नहीं होगा, तो हमें किस चीज की जरूरत है आज? दोनों की जरूरत है कि एक ही से, आप केवल कानून से पढ़ लेंगे। आप कानून से पढ़ने से हमारा जीवन चलेगा, हमारी रक्षा होगी, तो हमें अलग अलग प्रकार के ग्रंथ समाज में बेहतर जीवन के लिए आपको अपने धर्म से जुड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? आखिर आप विरोध क्यों करें भाई सनातनी होकर के? आपको विरोध करने का अधिकार कौन देता है? सनातनी कौन है? हमने तो नहीं बोला हम सनातनी, आप ही बोल रहे हैं कि सनातनी आप हैं। बिल्कुल है, आप बताइए किस में जन्म लिया आपने? नहीं, किस आपने किस कुल में जन्म लिया, किस धर्म में जन्म लिया बताइए। मैं भारत में जन्म लिया, मैं एक भारतीय है। भारत में जन्म लिया लेकिन किस धर्म में लिया, ये तो आप बताएंगे किसी को? हम बोल रहे हैं ना, हमारा एक ही धर्म है, भारतीय। अच्छा, आप भारतीय हैं तो फिर आपको ये किसने अधिकार दे दिया कि आप जाकर के विरोध करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत कहा कि सही कहा? भारतीय तो फिर संविधान के हिसाब से लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी अभिव्यक्ति की आजादी की, उनकी अभिव्यक्ति की आजादी और धर्म के साथ चलते, तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र में ऐसा अधिकार किसी को नहीं है कि भाई तुम किसी को रूढ़िवादी बनाओ, मानसिक गुलाम बनाओ, ये अधिकार किसने दिया बताओ? तो वो रूढ़िवादी कहाँ बना रहे हैं, वो तो धर्म। हमें एक बात, हनुमान का नाम लेना, राम का नाम लेना रूढ़िवाद कहाँ से है ये बताइए? रूढ़िवाद क्यों लगता है आपको? धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं आप, क्या उनके बागेश्वर धाम में गए? लोगों को कितना मानसिक गुलाम कर दिया लोग, आप आपको कितने लोगों ने आपसे कंप्लेन किया कि हमको मानसिक गुलाम बनाया गया, कितने लोगों ने आपसे कंप्लेन किया? देखो जब हम उस साइड छतरपुर साइड में गए हुए थे तो वहां पर बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कंप्लेन नहीं की, लेकिन उनकी जब हमने मानसिक स्थिति देखी ना कि लोग दुबले पतले, तो आपका विचार है दुबले पतले खाने पीने से होता है, मानसिक गुलामी से नहीं होता है, वहां पे विकास नहीं हुआ इसलिए होता है। आप कभी किसी बाबा के पास लेट लेट के जाते हो? अगर आते हैं, हमारी आस्था है तो हम लेट कर जाएंगे, हम शिव के दर्शन करने जाते हैं लेट कर, वो एक धर्म की प्रक्रिया है, उसे आप पाखंड कैसे कह सकते हैं? उसी को तो रोकना है भाई हमें। जे बताओ, अगर लेट के जाने से, बागेश्वर धाम में जाने से अगर कोई पैसे वाला बनता तो सबसे पहले आप मत जाइए, जिसे खुशी है वो जा रहा है, फिर आप उसका विरोध क्यों करेंगे? नहीं नहीं, आप मत जाइए, सबसे पहले बागेश्वर धाम को ही खरीद ले। अडानी अंबानी भी जाते हैं मंदिरों में और बहुत चढ़ावा चाहते हैं, आपको भी पता हो करोड़ों का चढ़ावा चढ़ता है, साईं बाबा पे चढ़ता है, उस समय आपका जवान क्यों नहीं खुलता है? साईं बाबा में करोड़ों का जब मुकुट चढ़ाया जाता है तो फिर आप लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्यों जब राम का नाम लिया जाता है, हनुमान का नाम लिया जाता है तो आप विरोध करते हैं? सुनो, जो के अंदर तो देश के गृह मंत्री अमित शाह भी जा चुके हैं, तो अमित शाह जाए या जो उनका मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है कि भाई अगर हमारा धर्म का प्रचार हो रहा, किसी पार्टी के नेता का प्रचार हो रहा या उससे रिलेटेड उसको फायदा हो रहा, वो तो जाएगा राजनीति फायदा के लिए जाएगा ना।
वो एक आम इंसान एक आम सोशलिस्ट की तरह नहीं जाएगा। जब बड़ा कोई बड़ा व्यक्ति जाए तो राजनीतिक स्वार्थ के लिए जाता है, और जब कोई बिजनेसमैन जाए तो बिजनेस के स्वार्थ के लिए जाता है। तो जब कोई गरीब जाता है कि उसके आत्मा को शांति मिलेगी, उसे लगता है कि हमारी दुख हर सकता है, तो आप लोग उन चीजों पर व्यर्थ का बहस देश में क्यों खड़ा करते हैं? अगर आपको लगता है कि गरीब आदमी वहां जाता है, आप खुद अपने ऊपर भरोसा करो। अगर आपको लगता है कि गरीब आदमी गया और उसके दुख दूर हो गए, तो आप भी जाके अपना, आपके हिसाब से हनुमान और राम के अस्तित्व पर ही आप सवाल उठा रहे हैं कि नहीं, यही बताइए है कि नहीं, ये बताइए। राम हनुमान अपने अपने युग में उन्होंने जो भी ग्रंथों के हिसाब से, किताबों के हिसाब से जो भी उनको उपमा दी या उपाधि दी, उस पर हमारी टिप्पणी नहीं है। लेकिन हम यही बोलेंगे कि जो राम थे वो राजा थे, इससे ज्यादा आज हम उनके लिए रोते रहे, उनके लिए हर जगह मंदिर बनाते रहे। तो जी एक आखिरी सवाल आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि तमाम कंट्रोवर्सी के बाद भी आज वो चैलेंज करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, धाम में आइए, और हम आपके हर सवालों का जवाब देते हैं। तो आप जैसे जो भी सोशलिस्ट हैं, समाज को अगली दिशा में ले जाना चाहते हैं रूढ़िवाद के खिलाफ, तो आप सभी क्या उनके चैलेंज को स्वीकार करेंगे और उनके यहाँ जाएंगे उनके चैलेंज को पूरा करने के लिए, या फिर आप भी फील्ड छोड़कर भाग जाएंगे? हमारा कहने का मतलब है ना, हम बागेश्वर जाएंगे ना वे हमारे गुड़गांव आए, बीच में दिल्ली है, दिल्ली का जंतर मंतर है, आप भी हो जंतर मंतर पे, यहाँ पर आ जाए, दूध का दूध कर देंगे, पानी का पानी कर देंगे, बस। चलिए, यही इनका कारनाम था बागेश्वर धाम को लेकर के, कि कहीं बीच रास्ते में आते ना मैं उनके दरबार पे जाऊंगा ना वो हमारे दरबार पे आए, जंतर मंतर पर बैठते हैं दिल्ली में।